व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बहुत ही प्यारे से बच्चों क्या हाल है आप सब के उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत सारे नेकी के काम कर रहे होंगे और अपनी अम्मी अबू की भी खूब ख़िदमत कर रहे होंगे बहुत सारी नेकियाँ कमा रहे होंगे और इंशाल्लाह मेरी दिल की गहराई से दुआएं हैं कि अल्लाह तआला आप सबको अपने वालदेन का बेहतरीन सदका जारिया बनाए एक अच्छा मुसलमान बनाए एक अच्छा इंसान बनाए आमीन अल्लाम आमीन। प्यारे बच्चों आज तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी चलें उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप में से माशाल्लाह हिफ्स कंपटीशन जो हुआ था उसमें फ़र्स्ट कौन है सेकंड कौन है और थर्ड कौन है आप टोटल बच्चे थे मैं सबके नाम बता देती हूँ अब्दुल मतीन आयशा, साकेब, लाइबा इमरान अशना फ़ारूकी हुरिया, तहरीम आमिरा, फ़ातिमा अंबर अशरफ फिर आयशा और जी आयशा का पूरा नाम है आयशा तहमीद माशाल्लाह और अमारा जबीन और आपकी प्यारी सी जो टीचर हैं आपकी रूहानी माँ कह लें वो हैं आसमा असद उसके अलावा जो हैं आपके साथ वो हैं हरीम सदीकी सीमा अबरार सना इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता चला मारिया फ़जल सादिया और बुशरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक अल्ला हो अल्लाह सुबहाना ताल आपसे राज़ी हो जाए और इस काम को आप सबके लिए बहुत बड़ा सात जारिया बनाए आमीन अल्लाह मामिन जी बच्चों फ़र्स्ट कौन आया है जी फर्स्ट हैं अंबर अशरफ बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपको जो भी हमने प्राइज़ देना है वो इन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जी बच्चों सेकंड नंबर पर हैं आमिरा फ़ातिमा बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको भी और थर्ड हैं हुरिया तहरीम बहुत बहुत, बहुत आपको मुबारक हो जी बेटा देखें आपने ये हिफ्स करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी ना तो बच्चों देखें दुनिया में क्या होता है जिसका दिमाग बहुत तेज़ होता है बहुत जल्दी चीज़ें याद कर लेता है वो तो फर्स्ट आ जाता है सेकंड आ जाता है थर्ड आ जाता है उसको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं लेकिन जो बेचारा कुछ मेरी तरह होता है तो वो तो परेशान ही होता रहता है लेकिन अल्लाह सुबहाना तला बहुत इंसाफ करते हैं क्योंकि किसी को अल्लाह ने अच्छा जहन दिया है हाफज़ा अच्छा है बहुत इंटेलिजेंट है तो ये तो अल्लाह की देन है ना? इंसान का कमाल क्या है देखें बच्चों एक हर्फ पढ़ने पर दस नेकियां मिलती हैं तो जो अटक अटक के पढ़ता है उसके बारे में भी एक हदीस है कि उसको दो राजर मिलता है जो मुश्किल से हिफ़ करता है उसको बहुत दफ़ा पढ़ना पड़ता है ना तो नेकियां भी तो बढ़ गई ना फ़र्ज़ करें आप लोगों ने एक आयत हिफ्स की आप में से किसी बच्चे ने ट्वेंटी टाइम्स पढ़ी या हो सकता है फाइव टाइम्स पढ़ी उसको हिफ्स हो गई हो और कोई बेचारा पढ़ता ही रहा घंटों तो एक हर्फ पे जब दस नकियाँ तो किसकी नकियाँ ज़्यादा हो गई जी जिसका इतना ज़्यादा अच्छा जहन नहीं है तो बच्चों अगर आपको देर से हिफ्ज होता है देर से याद होता है तो ये समझिए आपका जो आखरत का बैंक बैलेंस है ना बहुत बड़ा होगा भरा हुआ होगा नेकियों से इन शाह कुरान पढ़ने से ना ईमान बढ़ता है और जो भी ज़िंदगी में हमारे वाक़ हो रहे होते हैं ना हर वक्त कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है उसकी रहनुमाई भी मिल जाती है और जो बहुत खूबसूरती से क़ुरान पढ़ता है जैसा कि माशाल्लाह आप पढ़ते हैं आप सब तो हदीस में है कि जो कुरान का माहिर होता है ना वो फरिश्तों के साथ होगा कौन से फरिश्ते जो बहुत ही मोज़ होते हैं बहुत ही इज्जत वाले होते हैं जो कातबल कुरान है जो कुरान लिखते हैं उनके साथ होंगे इसी तरह जो अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए भी दोहरा जार है और बच्चों अगर आप कुरान से अपना ताल्लुक़ बहुत मजबूत करेंगे रोज़ आप फजर की रबास के बाद असकार पढ़ के फ़ौर कुरान की तलावत कर लेंगे तो कहा जाता है कि कुरान से जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह सबहाना ताल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बायस बनता है यानी अल्लाह सुबहाना ताल उनसे मोहब्बत करने लगते हैं और हमारे दिल में जब अल्लाह सुबहाना ताल की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ेगी तो क्या फ़ायदा होगा जी फिर हम उनका खुश करने वाले काम करेंगे हम बहुत ज़्यादा कुरान के अहकाम को समझने की कोशिश करेंगे कुरान को तर्जमे से पढ़ेंगे तफसीर से समझेंगे और अल्लाह के हर हर हु पर अमल करेंगे और इसी तरह जब हमारे हाँ दिल में रसोल्ला सल्ला वसम की बहुत सारी मोहब्बत आ जाएगी उनकी उनकी मोहब्बत कैसे आती है जब हम सीरत पढ़ते हैं हम देखते हैं कि उनका ख़लाक कैसा था उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी दीन हम तक पहुँचाने के लिए तो फिर हमारे दिल में एहसान आता है शुक्र आता है और मोहब्बत आ जाती है और जब मोहब्बत आती है ना तो फिर इतात करनी आसान हो जाती है ना, फिर हम हर हर सुनत पर अमल करते हैं और हर हर सुनत को सीखने के लिए दिन को सीखते हैं और बच्चों क़्यामत के दिन ना कुरान पढ़ने वाले के लिए कुरान सिफारिश करेगा और ये कब्र में एक ख़ूबसूरत दोस्त बनेगा और बच्चों जो कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करता है ना तो कुरान उसके दिल में शकीनत डाल देता है सुकून डाल देता है यानी वो हर काम जल्दी जल्दी नहीं करता वो कभी भी कितना भी बड़ा कोई मसला आ जाए कोई मुश्किल आ जाए वो मुस्कुराता रहता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये आजमाइश दी है तो ज़रूर अल्लाह ताला मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे कोई बड़ा नेकी का काम लेना चाहते हैं और अल्लाह ताला मुझे आज़मा रहे हैं क्योंकि सब्र करने पे जो अजर मिलते हैं ना जन्नत के आला दर्जात वो किसी और काम पे नहीं मिलते और बच्चों सबसे ख़ूबसूरत बात जो कुरान पढ़ने और समझने वाले होते हैं ना उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत मिल जाती है आपको चाहिए वरासत अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चों जो ख़ूबसूरत कुरान पढ़ता है ना तो अल्लाह सन्ा खुद सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह सुबहाना सब के दिलों में कुरान की मोहब्बत डाल दे और कुरान को हम खूबसूरत तरीके से तजवीज़ से सीखें और हम इसका तर्जमा भी याद करें और इसकी तफसीर भी हम समझें ताकि हमें अल्लाह सुबहाना ताल का हर हर हुक्म समझ आ जा जाए और कुरान हमारा ख़ूबसूरत दोस्त बन जाए और अल्लाह सुबहाना ताली क्या के दिन हमें कुरान वालों में से उठाए आमीन अल्लाह मामीन अल्लाह साली पर बहुत सारी रहमत और बरकतों का नज़ूल फ़रमाए अल्लाह साली आप सबको आपके वालदैन का आपके रूहानी जो उस्ताद हैं वालदैन हैं ये भी रूहानी इनका बेहतरीन सदका जारिया बनाए अल्लाह तौल आप सबसे राज़ी हो जाए बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने अकाउंट ये जो आपकी टीचर हैं आसमा जी इनको दे दीजिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा अल्लाह सुबह तला आप सबसे राज़ी हो जाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू